जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। प्लीज लेट मी चेक द साउंड फर्स्ट, होल्ड ऑन। हेलो 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 हेलो। ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट। एंड बहुत गैप आया, बहुत दिन सेशंस हम नहीं कर सके और काफी दिन हम एनालिसिस भी नहीं कर सके। हाँ, ट्रेडिंग में करता रहा इस दौरान, और बट थोड़ा सा टाइम कुछ इस तरह से चल रहा था। कुछ चीजें लाइफ में कुछ ऐसी हमें मैनेज करना होती हैं जिसके साथ थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा आउट था। सो आई एम ट्राइंग टू कम बैक नाउ। देखते हैं आज के एनालिसिस। 4th of October, मंडे का दिन है, वीक स्टार्ट, और इसके अलावा नया मंथ, खैर वो तो फ्राइडे को स्टार्ट हो गया था। हाँ, फ्राइडे को स्टार्ट हो गया था, बट एक्चुअली अगर देखा जाए लिक्विडिटी के एतबार से तो आज से ही नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। नाउ फॉरेक्स फैक्ट्री कुछ खास नजर नहीं आ रहा। फॉरेक्स फैक्ट्री में ओपेक जेएमएमसी मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है, सारा दिन चलने वाली है। इसके अलावा यूएसडी की कुछ खास न्यूज नहीं है। स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है 12 बजे, बस ये थोड़ा सा देख लीजिएगा डेविएशन अगर इसमें आती है तो कुछ हम डायरेक्शन में चेंज देख सकते हैं। सो हम टेक्निकली, हाँ, एयूडी का क्लोज है एंड चाइना भी क्लोज है आज, ठीक है। सो ओके, नाउ टेक्निकली देखते हैं मार्केट, बहुत पुराने लेवल्स लगे हुए हैं, ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, मार्केट ब्रेक कर चुकी है और रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, आपको याद होगा आई थिंक जो लास्ट हमारा वेबिनार हुआ था या सेकंड लास्ट, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये अच्छे से क्लोज कर देती है ना तो फिर ये लॉन्गर टर्म में, ये मुझे याद पड़ रहा है कि ये हमने इसी वजह से जोन मार्क किया था कि यहां तक पे मार्केट नीचे फॉल करेगी, ये लॉन्गर टर्म के अंदर है। सो हम इसको एक, हाँ बिल्कुल, एक ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। उस सूरत में अगर आज के दिन में मार्केट किसी न्यूज की वजह से या किसी भी वजह से वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस अपर रेंज में दाखिल ना हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको एक रियल ब्रेकआउट तसव्वुर करेंगे और हम बेयरिश सेंस में ही रखने वाले हैं फिर टेक्निकली यूरो यूएसडी को। काफी हफ्तों से मार्केट लोअर ट्रेंड के अंदर है और मजीद इसमें अब तो मतलब इसमें पुल बैक भी अगर आता है, पुल बैक के बाद हम सेलिंग देखेंगे और फिर तो बहुत बड़ा फॉल रखा हुआ है इसमें, बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। मतलब बहुत छोटे से एसएल के साथ आपका टीपी ऑलमोस्ट पर यहाँ पे बनता है, इसके दरमियान में ये एक लेवल है बस छोटा सा, हाँ ये एक लेवल है, इतना छोटा भी नहीं है। तो पहला टीपी आप यहाँ पे ले सकते हो 1406, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है या यहाँ पर अगर कोई गैप बार बनती है तो फिर पुल बैक पर फर्दर इस जोन तक सेल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि फ्री फ्लोट एरिया काफी रखा हुआ है इस एरिया में। सो डॉलर की न्यूज को, डॉलर इंडेक्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए यूरो को बेयरिश सेल
किया जा सकता है। नाउ थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेते हैं यार इसको, काफी टाइम से लेवल्स को छेड़ा नहीं है। ये लेवल में डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जोन मार्क किया है और यही एक हमारे लिए बेहतरीन सेलिंग जोन है जो कि रीटेस्ट हो भी चुका है आज सुबह के वक्त में। तो अब देखते हैं कि H4 को आपने देख लेना है कि H4 कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर तो H4 मतलब ये सेल आप कर सकते हो यहाँ तक पहला टीपी, ठीक है। अगर H4 इस लो को ब्रेक कर जाता है तो फिर मजीद इस पे बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। और अगर यहाँ पर हमें डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है, डबल बॉटम का आपको मैं ये बता देता हूँ कि डबल बॉटम के सेंस में ये होता है कि लाइक अगर यहाँ पर मार्केट आके रुकती है तो आपने ये लेवल मार्क करना है, ठीक है। ये लेवल मार्क होगा और ये कंफर्मेशन जब होगी जब ये लेवल ब्रेक होगा, तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है इसको। सो इस लेवल तक तो इजीली ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड इस एरिया पर फिर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस, VSA का वॉल्यूम, मार्केट प्रोफाइल की कंफर्मेशंस, तमाम चीजें देखने के बाद फिर आप फर्दर सेलिंग में आओगे। लॉन्गर टर्म में मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्गर टर्म में एक अच्छा मुझे सेलिंग सेटअप नजर आ रहा है यूरो यूएसडी में, बट फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग हो गए किसी वजह से रिवर्स हो गए तो एक अलग बात है। तो आप अगर भूले नहीं हो हमारा जो सेटअप चल रहा था कि हम हमेशा प्लान ए और प्लान बी अपने साथ रखते हैं, सो अगर प्लान ए ने वर्क नहीं किया तो वी विल गो फॉर द प्लान बी, ठीक है। ठीक है, आई थिंक यूरो के लिए बहुत है इतना, बिकॉज अच्छे पिप्स हैं ये भी। मार्केट यहाँ तक आने का वेट करो, यहाँ से देख लेना। अगर लेट से अगर आपने सेल अगर नहीं किया हुआ है तो छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इस लेवल से, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा और उस पुल बैक में देखना वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया तो उसको होल्ड कर लेना, और अगर वॉल्यूम सिग्निफिकेंट ना हुआ तो फिर छोटा सा टीपी लेके निकल जाएगा। जस्ट वो एक पुल बैक होगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और अगेन पुल बैक पे सेल। अच्छा जी, पौन USD, थोड़ा सा क्लीन करते हैं चार्ट को। ताकि नए सिरे से हम नीट क्लीन मार्केट को देखें। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेरिश साइड पर शिफ्ट हो चुका है मोमेंटम। एक्चुअली ये बुलिश था, यहाँ पे डबल टॉप कंफर्म भी हो चुका है। सो पौन USD को हम एक बेरिश साइड पर रखने वाले, टेक्निकली याद रहे टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एरिया पर सपोर्ट ले रहा है और वीकली क्लोज इस एरिया के ऊपर है। सो ये एक छोटी सी हमारे पास वीकली की डाइवर्जेंस पे जाओगे फिर तो बहुत लंबे जाओगे, फिर तो 2-4 हफ्ते ट्रेड के लिए बैठे रहो। सो इतना हम लॉन्गर टर्म, अगर आप सूट देखो, मैं हर तरह की ट्रेडिंग जानता हूँ, हर तरह की ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। एज पर सिनेरियो, मुझे जैसा सिनेरियो मिल जाए आई एम कंफर्टेबल विद ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल द वेज, ऑल द मेथड्स, नो प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। आप अपने लिए कंफर्ट देखो,
अगर आप लॉन्गर टर्म में कंफर्टेबल हो तो भी मुझे बताइएगा, मैं लॉन्गर टर्म के ऊपर भी आपको सिग्नल दे सकता हूँ, आई मीन एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में जैसे हम पहले कर रहे थे कि रोजाना के बेसिस के ऊपर जस्ट कुछ पिप्स लिए और उसके बाद आप एग्जिट, सो वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल में सेलिंग इज द बेटर ऑप्शन फॉर द पॉन्ड यूएसडी, एंड छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक आ सकता है, देखा जा सकता है, बट एक अर्ली टाइमिंग हमें रिवर्सल का भी सिनेरियो मिल रहा है। सो अभी आज के लिए फिलहाल सेल करें मार्केट को, और ये आज के लिए ये बता रहा हूं कि इस जोन से नीचे सेल करें, इस जोन से ऊपर बाय करें, ठीक है। इस जोन की बात कर रहा हूं, ओके। अच्छा जी, एक प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, एसएल कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखो उसके लिए ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और जो मैं पहले भी आपको आंसर कर चुका हूँ कि टेक प्रॉफिट एसएल की तकरीबन कंडीशंस एवरेज देखा जाए तो मिलती जुलती है, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला टीपी मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे ले लेना चाहिए, और उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन क्या है। अगर ये लो ब्रेक होता है, ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाए तो फिर हम बेयरिश मजीद जा सकते हैं। इसके पहले अभी फिलहाल लॉन्गर टर्म में तो खैर है मार्केट बेयरिश, बट फिलहाल आप इसको यहाँ पे टेक प्रॉफिट करोगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहीं से यहाँ पे जिगजैग करती है, तो फिर हम इसी रेंज को आप ब्रेकआउट और पुल बैक पे ट्रेड करोगे, ठीक है जी, अंडरस्टूड। देखो काइंड ऑफ अ रिवर्सल अभी नहीं, ना कंफर्म नहीं हुआ, जस्ट एक विजिबिलिटी तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, तो अभी कंफर्मेशन चाहिए कि रिवर्सल हो चुका है या नहीं हुआ। सो अभी अभी बेयरिश ही रखेंगे पाउंड यूएसडी को। यूएसडी सी एच एफ, स्क्रीन द चार्ट, ये ट्रेंड लाइन देखो हमने कब से मार्क की हुई है, ये अभी की नहीं है, ये देखो कैसी रेस्पेक्ट चल रही है, अभी तक चल रही है। ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था और ब्रेक हो चुका है, डबल टॉप विद, हाँ जी। सो लेवल अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो हम बुलिश साइड पर रखने वाले ऑन यूएसडी को, और अगेन यहाँ तक टेक प्रॉफिट। अगर आप ट्रेड में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट करो पुल बैक आ जाए। सबसे अच्छी और ज्यादा अच्छी बात क्या है कि यहाँ तक पुल बैक आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक ये टेक प्रॉफिट है पहला, उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट के बाद आप पुल बैक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी वापस याद करें जो सिखाई थी आपको। बाय साइड पे रखेंगे यूएसडीसीएचएफ को। गोल्ड, गोल्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गोल्ड पर आते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि जिस किसी ने भी आपको ट्रेडिंग के बिजनेस पे इनवाइट किया था,
उसने आपको कसम तो नहीं दी थी कि गोल्ड के अलावा किसी और पे में ट्रेड नहीं करना? ऐसा तो नहीं हुआ था? जिस बंदे ने भी आपको इनवाइट किया था ट्रेडिंग के बिजनेस में, जिसने भी पहला वेलकम किया था आपको, उसने कोई कसम दी हो, उसने कभी ये बोला हो कि अगर तुमने गोल्ड को छोड़ा तो मार्केट तो मतलब तुम्हें खा जाएगी? देखो, सीन ये होता है कि जो पेयर आपको समझ में आ रहा है उस पेयर में ट्रेड करो, जो पेयर समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, या आपका अकाउंट साइज कंपेटिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट पेयर, तो उस पेयर से स्किप कर जाओ। वो कोई भी पेयर हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, यूरो यूएसडी भी हो सकता है, पाउंड, वट एवर, कोई भी पेयर हो सकता है, ठीक है? तो ये कोई कसम नहीं होती, किसी ने भी आपसे हलफ नहीं लिया हुआ कि गोल्ड को ट्रेड नहीं किया तो तुम ट्रेडर बन ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स मौजूद हैं जो गोल्ड को ट्रेड नहीं करते। अगर आपको गोल्ड अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर ट्रेड करें, आपका अकाउंट साइज भी सपोर्टिव होना चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आता है गोल्ड में तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपको स्किप करना चाहिए। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये आता है कि गोल्ड को ज्यादातर इसलिए ट्रेड किया जाता है कि जी इसमें वॉलिटिलिटी अच्छी खासी है, एटीआर अच्छा बन जाता है, तो उसके लिए आप पॉन्ड एनजेडी देख लो, पॉन्ड जेपीवाई देख लो, ठीक है? इस तरह के कुछ और पेयर्स भी हैं करेंसीज के अंदर आप, बट उनमें फंडामेंटल्स आपको भी देखना पड़ेंगे। सो गोल्ड इस वक्त एक ऐसी मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां पर इसको गिरना चाहिए, ठीक है? गोल्ड को गिरना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं करने वाला हूं फाइन ट्यून इन तमाम चीजों को। ये वाला चार्ट में पहले भी कई मर्तबा शेयर कर चुका हूं वैसे। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि लॉन्गर टर्म में जो लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन थी ब्रेक हो चुकी हुई है, और एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ और अभी तक मार्केट उसको होल्ड कर रहा है। सो ये एक एडिशनल हमारे पास एक कंफर्मेशन है सेलिंग में जाने के लिए। इसके अलावा लोअर हाइज लोअर लोज भी हमारे पास बेयरिश साइन है। H4 में पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मार्केट को बुलिश नहीं मानेंगे उस वक्त तक जब तक मार्केट ये जोन ब्रेक ना करे अच्छे से, रियल ब्रेकआउट ना दे, उस वक्त तक हम बुलिश नहीं मानेंगे, हम बेरिश लेके चलेंगे। सो अगर बेरिश रहने की बात कर रहा हूं तो आप जानते हो कि आपको क्या करना है। अच्छा जी, आज क्या कर सकते हो? आज जो करना था वो कर दिया है गोल्ड ने, ऑलमोस्ट 66 पिप्स मूव किया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी पुल बैक देख सकते हैं हम, लॉन्ग बेयरिश ट्रेंड का हम एक पुल बैक देख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइंस एंड लेवल्स के अकॉर्डिंगली, सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है आज। आज ट्रेड करने के लिए ये एक अच्छा जोन है सेल करने के लिए। ठीक है, यहाँ से सेल करें। एक अच्छी वैसे मार्केट ओपनिंग के बाद से ही एक अच्छी सेल ट्रेड थी, मैं जाग रहा था और मैं देख रहा था, तो बट उस वक्त हम सेशन नहीं कर सके। सो
इस जोन से सेल करें ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है अच्छे से, इसी सपोर्ट के पुल बैक पर आप फिर सेल कर सकते हो और टेक प्रॉफिट फिर यहाँ पर रहने वाला है। ये टेक प्रॉफिट है, अच्छा टेक प्रॉफिट है। इसके दरमियान में आने वाला ये थोड़ा सा कचरा है, इस कचरे को देख लेना मार्केट क्या सलूक कर रही है इस कचरे के साथ। ठीक है, सो सेल साइड पर रखने वाले गोल्ड को, और अभी से भी किया जा सकता है बड़े एसएल के साथ। इंतजार करें, मार्केट पुल बैक करे, आपका एसएल छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक आज के लिए काफी है, लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और हम फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।